नमस्कार दोस्तों, एक्सीड के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे और बच्चियां स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। हम लोग भी लगातार इस प्रयास में हैं कि आप लोग का जो टाइम है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने PET के लिए आप सभी बच्चों हेतु निःशुल्क बैच लॉन्च किया, जो सुबह 7 बजे से चल रहा है। लगभग बच्चों के इसकी जानकारी है, बाकी आप लोग के माध्यम से और भी बच्चे जैसे जैसे जानकारी मिल रही है उनको, वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक्सीड पब्लिकेशन द्वारा PET, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इस समय की जो एकदम ज्वलंत परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो है PET। तो एक्सीड पब्लिकेशन के द्वारा PET परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट का प्रकाशन किया गया है। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि तैयारी तो हम अक्सर करते रहते हैं, कभी लेखपाल के नाम पर, कभी पुलिस के नाम पर, कभी SSC GD के नाम पर, तरह तरह की परीक्षाएं हैं और लगभग सबका सिलेबस घुमा फिरा के उसको क्रम को बदलकर लगभग वही रहता है। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बच्चे कई बार कोचिंग कर चुके हैं, बेचारे परीक्षा की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि ये भगवान कब परीक्षा होगी। अब उनको आवश्यकता है केवल और केवल अभ्यास की, प्रैक्टिस की। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि सफलता का मूल मंत्र है अभ्यास, अभ्यास और सिर्फ अभ्यास। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप सफलता के उतने नजदीक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। अब सफलता के लिए आपको एक बेस होना चाहिए, भाई कहां आप अभ्यास करेंगे, एक बेस तो होना चाहिए भाई। आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, लेकिन कहां, कोई प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सीड पब्लिकेशन के द्वारा PET परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट का प्रकाशन किया गया है। पहले मैं इस प्रैक्टिस सेट के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। इस प्रैक्टिस सेट में बच्चों कुल 20 सेट पेपर रखे गए हैं और हर पेपर में मेरे बच्चे 100 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार से ये जो कुल क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2000। यानी इस पुस्तक में आपको 2000 प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। ये पेपर बिल्कुल वैसे बनाए गए हैं जैसा कि आयोग द्वारा पैटर्न बताया गया है, ठीक है, कि इतने नंबर का इतिहास पूछा जाएगा, इतने नंबर का आपका भूगोल आएगा, इतने नंबर की मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। बिल्कुल उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सीट का निर्माण किया गया है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सीट में बच्चे कुल 200 पेज हैं, ठीक है, 200 पेज की एक पुस्तक है जिसमें 20 सेट हैं और हर सेट में 100 क्वेश्चन है, यानी आपको 2000 क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। अब अगर हम आगे बात करें, अगले पेज पे आते हैं, तो ये देखिए बच्चे, ये पूरी परीक्षा योजना है, ये पूरी परीक्षा योजना है जो आयोग द्वारा जारी किया गया था कि वो किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी ये पूरी योजना है। भारतीय इतिहास प्रश्नों की संख्या 5, निर्धारित अंक 5। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रश्नों की संख्या 5, निर्धारित अंक 5। ऐसे किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे और उनका निर्धारित अंक क्या होगा, इसी जो है योजना को ध्यान में रखते हुए, इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 20 के 20 प्रैक्टिस सेट का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है आपका जो
आयोग द्वारा जारी किया गया था, इसकी सबकी आपकी को लोगों को जानकारी है भी, ये सिलेबस के बारे में दिया गया है। अब मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट का एक मॉडल पेपर दिखाता हूं। ये पहला प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों का मतलब हमारी जो एक्सीड पब्लिकेशन की पूरी टीम ने मिलके 20 प्रैक्टिस सेट का निर्माण किया है आपके यूपी TSSC के सिलेबस के हिसाब से। आयोग ने जो पूरी जो है विषय की व्यवस्था बनाई है उसके आधार पे इस प्रैक्टिस सेट का निर्माण किया गया है। तो मैं मॉडल के रूप में आपको पहला प्रैक्टिस सेट दिखा रहा हूं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूं, एक मिनट, क्यों वो जूम इसका ऑप्शन कहां पे है, ठीक है, ये ठीक है बच्चे, ये देखिए, ये पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना, सूची वन और सूची दो को, ठीक है ना, सुमेलित करने के लिए वो क्वेश्चन है। देखिए ये आपको इतिहास के प्रश्न है, ठीक है, प्रश्नों का आपको एक लेबल मिलेगा, पूरा यूपी TSSC का जो लेबल है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा पेपर का निर्माण किया गया है, ठीक है। और अगर हम इधर आ जाएं, ये देखिए करंट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, मतलब जो आपका सिलेबस बनाया गया है आयोग के द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट का निर्माण किया गया है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा आपको मिलेगा। इसी तरह से मेरे द्वारा आपके लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, बाकी जब आप इसको लेंगे तो आपको ये सारा मिलेगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, देखिए ये देखिए ये मैथ के क्वेश्चन हैं, सारणी ग्राफ और सारणी के क्वेश्चन, ये देखिए मैं बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखिए सारणी पर आधारित प्रश्न, किस तरीके से सारणी पर प्रश्न बनेंगे, और इधर आके देखेंगे आप तो ये देखिए पूरा पाई चार्ट यानी ग्राफ पर आधारित प्रश्न ये आपका बनाया गया है, ठीक है बच्चे। इसी तरीके से पूरा जो है मॉडल पेपर बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये और इसका जितने भी प्रश्न है उनका सोल्यूशन हर प्रैक्टिस सेट के बाद सोल्यूशन दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण मुझे बात आपको और बताना है कि साथ में हम लोगों ने आपको इसमें OMR सीट भी दे रखा है। हर पेपर के बाद जितने प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है देखिए, उसके बाद ये देखिए पूरा OMR सीट हम लोगों ने यहां पे OMR दे रखा है। कैसे? नहीं, इसको ऊपर हमको करना है, ठीक है बच्चे, यहां पे ये OMR सीट दी गई है, ठीक है,
ये बच्चे देखिए OMR बना हुआ है, 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन का पूरा हम लोगों ने OMR बना के दे रखा है आपको, जिससे आप लोग अभ्यास कर पाए, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जो है मार्कर से परचेज कर सकते हैं। ये देखिए आखिरी में व्याख्यात्मक हल दिया गया है, ये व्याख्यात्मक हल दिया गया है आखिरी में, ये आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा प्रश्नों का, ठीक है। तो बच्चे इसको आप लोग जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट नहीं जा सकते तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी ये पुस्तक आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आपके अभ्यास के लिए हेक्सीड पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट का प्रकाशन किया गया है, तो इसको आप ले लें और अभ्यास करें, ठीक है। घड़ी में समय लगा लगा के, टाइमर लगा लगा के अभ्यास करें और देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं एक पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।